पूजा करते हैं तब पर्दा नहीं लगाते, जब भोग लगाते हैं तो पर्दा लगाते हैं। वो भोग का अर्थ उन्होंने उल्टा समझ लिया है, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो सब स्थूल बातें उठाते हैं या सूक्ष्म बातें उठाते हैं। स्थूल बातें उठाते हैं, वो समझते हैं भगवान कोई स्थूल भोग खाता होगा। अरे भगवान पतितों को पावन बनाने के लिए आता है या तुम्हारा लड्डू पेड़ा खाने के लिए आता है? पतित बनते ही है काम विकार से। क्रोधी को पतित कहा जाता है या कामी को पतित कहा जाता है? कामी को पतित कहा जाता है। तो भोग लगाने की बात है, उसमें पर्दे की बात होती है, बाकी लड्डू पेड़ा खाने के लिए पर्दा लगाने की क्या दरकार? अरे भगवान आप भोगता है कि भोगता है, तो बात ही नहीं है। नहीं, कभी कभी श्रृंगार करने के लिए भी पर्दा लगाता है, श्रृंगार करने के लिए भी पर्दा लगाते हैं। भाई
ज्ञानी को प्रत्यक्ष नहीं करते है। भारतवासी जो है ज्ञानी को प्रत्यक्ष नहीं करते है। भारतवासी जो है ज्ञानियों को प्रत्यक्ष नहीं करते है। विदेशी लोग प्रत्यक्ष करते है। जो जांच कल्चर है बाबा कृष्ण पूछते किसी को आंसर पता है, अगर विदेशी साबित होता है समझ करके नहीं बोलेंगे तो टीचर को डिसरिगार्ड नहीं होता है। बाबा अभी बाबा प्रश्न पूछते हैं। बाबा कहाँ प्रश्न पूछते हैं? मना क्लास करने समय कोई कोई पूछते है ना, प्रश्न पूछते है ना बाबा ने। तो कोई हमें अगर उनको पता है आंसर अगर बोले तो प्रत्यक्ष हो जाता है समझ। हमें इससे क्या मतलब, बाबा ने पूछा तो हमारा फर्ज क्या है जवाब दे। हम ये थोड़े देखे दूसरे क्या कहेंगे, दूसरों को हम बीच में डालते ही क्यों है। तो देवान की बात हो गई। नहीं बाबा टीचर को डिसरिगार्ड होता है ना। डिसरिगार्ड टीचर का क्यों, टीचर पूछता है जवाब देते हैं, डिसरिगार्ड की क्या बात। नहीं बोलेंगे तो है, अगर नहीं बोलेंगे तो। अगर टीचर ने नाम लेकर के पूछा और फिर भी जानते हुए नहीं बताया तब डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड है ना बाबा। टीचर का काम है स्टूडेंट को उमंग उत्साह देना, उनको आगे बढ़ाना है ना है? बाबा जो कोई टीचर को निमित बनाते हैं और जो टीचर जो है जो स्टूडेंट आगे बढ़ रही है उमंग उत्साह से उनको गलत डांट के डांटते रहते हैं, उनको खुशी खराब करते हैं, तब वो दुख भी है ना, ऐसे उनको शूटिंग क्या होते हैं। जो कमजोर होते हैं वो कमजोरी की बात को पकड़ते हैं या जो पावरफुल होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। जिनके जन्म जन्मांतर के संस्कार होंगे दबने के झूठ से वो ही दबेंगे, नहीं तो दब नहीं सकते। यज्ञ के आदि का प्रजापिता जो मम्मा बाबा को भी पढ़ाई पढ़ाता था, दूसरा जन्म लेकर के वो पढ़ाई पढ़ने वाला बन जाता है बेसिक नॉलेज में, फिर दब करके रहता है क्या है? नहीं। नीचे गिराने वाले नीचे गिराना चाहते हैं छोटे मोटे टीचर्स, तो उसकी बुद्धि में छोटे मोटे टीचर्स रहते हैं या सुप्रीम टीचर रहता है, तो गिरेगा या उठेगा, उनके गिराने से गिर जाएगा। कोई कोई दुखी रहता है ना, तब दुख दिया ना वो तो धर्मराज बाबा यानी दुख लेना नहीं है, दुख देना नहीं है, लेना क्यों है। ये तो ठीक है बाबा, देता है तो देता रहे, हम नहीं लेते। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन अभी तो कोई संपन्न नहीं बना है ना, तो जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, किसी को हमें डांटने की क्या दरकार है। अरे डांटेगा डपटेगा तो ब्रह्मा कुमारी कोई आदित्य मुरली माया कोई राजा कुमारी बनेगी, कोई प्रजा कुमारी बनेगी, हमारा क्या जाता है। हम क्यों खा हो जाए, खराब नहीं होते। शूटिंग हमने खराब कर दी क्या? हर एक आदमी अपना शत्रु अपना मित्र खुद बनता है, अपना घाटा अपना वाटा खुद बनाता है। अगर कोई हमको नीचे गिराता है दुख देता है और हम नीचे गिर गए दुख हमने ले लिया, तो हम अपनी आत्मा के शत्रु बने या बाबा की श्रीमत को फॉलो किया, हम खुद ही अपने शत्रु बन गए, प्रभावित हो गए माना प्रजा बन गए। उस समय उसको टीचर नहीं समझना ठीक है, वो श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को तो रावण संप्रदाय समझो, मुरली में क्या बोला अंदर से समझ लो, ये तो रावण संप्रदाय है। एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, अपने रास्ते चलते रहो। संगम जी कृष्ण का जन्म बताया ना, प्रत्यक्षता रूप जन्म है, प्रत्यक्षता रूप जन्म है, माना 18 में बाबा प्रत्यक्ष होते हैं, चार जन्म 18 में
तो क्या हुआ? मना उठना था हैं? आटा रस्ता इंतजार करना है बाबा को पुस्तक के लिए। जान जा रही है क्या? नहीं बाबा, वो दुनिया के सामने प्रत्यक्षता का टाइम बताया कि हमारे अपने लिए प्रत्यक्षता का टाइम है। हम दुनिया के आधार पर रुके हुए हैं, ऐसा है? हम 18 का इंतजार क्यों कर रहे हैं? नहीं बाबा, 18 में दुनिया में प्रत्यक्ष होते हैं। दुनिया की बात अलग है, वो तो अभी भी बाबा ने बोला हुआ है कि बाप दादा दुनिया वालों की नजरों के सामने गुप्त हो गए और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। बाबा जब प्रत्यक्ष होते, जब तक प्रत्यक्ष नहीं होते तब तक गुप्त ही रहेंगे। ये कौन पूछ रहा है, बाबा का बच्चा पूछ रहा है या दुनिया वाला पूछ रहा है? ये प्रश्न कौन कर रहा है, दुनिया वाला कर रहा है या बाबा का बच्चा कर रहा है? जब तक बाबा प्रत्यक्ष नहीं होते तब तक रोज सन्मुख रस नहीं मिलेंगे ना। जब तक बाबा प्रत्यक्ष नहीं होते तब तक रोज सन्मुख रस नहीं मिलेंगे ना। सन्मुख क्लास नहीं मिले माना अपने प्रत्यक्ष अपनी अपनी अलग बात है। क्या ऐसे अभी नहीं है पढ़ने वाले स्टूडेंट जिनको रोज सन्मुख क्लास मिल रहा है? है या नहीं है? हाँ, रोज सन्मुख क्लास मिल रहा है। फोन पे देना बाबा, अंधे की औलाद अंधे। ये तो मुरली हाथी में पकड़ के बैठे बाबा, माने भावना के आधार पर रोज हमें रोज बाबा क्लास कर रही है समझ कर। आवेशवाणी में आए था तो हमें रोज क्लास जाते है, ज्ञान का गति ज्ञान तीर में बैठे है, दूर देश से हमें साफ साफ करके सुप्रीम टीचर बन करके पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। आई तो समझ करके बैठेंगे तो रोज सन्मुख क्लास होता है, नहीं तो ऐसा अभी जैसे सन्मुख मिला है आई तो सन्मुख क्लास होता है। माने सन्मुख होता है तभी सन्मुख होता है, और जब सन्मुख नहीं होता है तो सन्मुख नहीं हो सकता। मतलब कहाँ का सन्मुख होना चाहिए ना? भक्ति मार्ग में जो महाराष्ट्र दिखाते हैं वो किस बात की यादगार? हर गोपी के साथ भगवान को दिखाया है, वो किस समय की यादगार? ये संभव हो सकता है या नहीं हो सकता है? करो ना संभव। ये अंदर की बात है, प्रैक्टिकल की बात है। अरे अंदर अंदर एक और बाहर दूसरा। ऐसे नहीं बाबा, हम सन्मुख क्लास माना अभी जैसे हम क्लास कर रही है, बाबा सामने बैठे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसे मिलना है बाबा। तो क्या एक ऐसी स्टेज आएगी कि नहीं कि कोई पाकिस्तान में बैठा है या बिलायत में बैठा है, हम यहाँ बैठे ही उससे बिना टेलीफोन या मोबाइल के हम उससे बात कर रहे होंगे, होगा या नहीं होगा? ये योग बल के आधार पर होगा, साइंस बल के आधार पर नहीं होगा। वाइब्रेशन की बात है, अभी भी अनुभव करते हैं बहुत। बाबा आने वाले होते हैं तो उनको पहले से पता चल जाता है, सभी को नहीं। वो लगन में रहते हैं उनको याद आता है। माना लगन में रहते हैं उनको लगता है क्लास करते हैं, बाबा सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ा रहे हैं ऐसे लगता है तो सन्मुख क्लास हो गया। ऐसे भी होता है कि मुरली में पॉइंट बाद में आता है, बहुतों को वो पॉइंट पहले ही सच होने लगता है। इसका मतलब सन्मुख हुआ ना बाबा? आप और एक घंटा क्लास लंबा करेंगे तो मन कहाँ लेके जाते हैं? घर में तब भी सम्मुख नहीं होता है वहाँ। गुप्त संबंध जोड़ने वाले हैं, है ना? गुप्त संबंध रखते हैं बाबा के साथ,
जो आर्ट जो है वो दुनिया के सामने आकर के बोलेंगे और वो कुछ ये कहा होता है बताए। 16,108 की संख्या नहीं है गोपगोपी अभी। जहाँ 16,000 है वहाँ 108 संख्या जोड़ी नहीं जाती है। जहाँ 100 है वहाँ 8 नहीं जोड़े जाते हैं। लेकिन 8 जो है यहाँ का प्रतीक्ष करते हैं संबंध गोपी का भी इसमें नहीं है तो बोला नहीं बोले डिस्कशन में बोले मतलब क्या है तो क्या है गुप्त में ज्यादा ताकत होती है या प्रत्यक्ष में ज्यादा ताकत होती है संबंध जोड़ा जाता है उसमें ज्यादा ताकत है या दूसरों को दिखावा करना हमारे हमारा देखो ये संबंध है उसमें ज्यादा ताकत है तो अष्टदेव जो है वो कमजोर है फिर ऐसा बोला है ना क्या बोला है तो अष्टदेव जो है ये कहो वो और ज्यादा गुप्त है जो लेना है उसका सही उच्चारण तो बोलो क्या लेना है हाँ बोलो बोलो क्या लेना है ऐसे बोले मैं जो लेना है उस चीज का नाम ही याद नहीं है क्या लेना है तुम्हारे से नहीं पूछा जा रहा हाँ जो लेना है तो क्या करना है जो लेना है तो क्या करना है नष्ट हुआ उसे लब्धा करना कैसे करें कैसे कैसे बिंदी को याद कैसे करें एडवांस में आने के बावजूद भी कोई कोई पूछते हैं बिंदी को याद कैसे करें अभी भी डिस्कशन में कोई भी ऐसे देते बारे में नहीं पूछ रहे इसका मतलब क्या है डॉक्टर बुद्धि घुमा दिया क्या क्या बुद्धि घुमा दिया कोई नहीं पूछ रही है ताला लगा दिया होगा बाबा ने अभी तीसरे मंडप का नाम भी डिक्लेयर नहीं हुआ हो जाएगा डिक्लेयर क्या है जल्दी जल्दी हो जाना है ना जल्दी जल्दी हो जाए जल्दी जल्दी कैसे हो जाएगा जल्दी जल्दी आग प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो फिर कृष्ण का जन्म नहीं हो जाएगा जल्दी हो जाएंगे नाम डिक्लेयर हो जाएंगे ये आपकी भविष्यवाणी है वैष्णो देवी आ जाएगी किसके सामने हम बच्चों में कौन सी लिखते हैं वैसे भी शक्ति आएगी जो विजयमाला आएगी विजयमाला की हैड आएगी चंद्रवंशी में पहले आएगी प्रत्यक्ष होगी या सूर्यवंशी में पहले आ जाएगी पहले तो अपने कुलवालों के बीच में प्रत्यक्ष होगी ना अभी जो कोई कोई मिनी मधुबन का प्रसाद करते रहते हैं तो बाबा ने बताया ना चाट रखना दिन में 2 ही बार खाते हैं और रोज क्लास करते हैं और उनका जो टाइम बचते है वो घर में टीवी देखते हैं और वो उससे ज्यादा उनका काम ही नहीं है ऐसे वाले क्या चाट लिखना है ऐसे वाले क्या चाट लिखना है कहा किसने की चाट लिखना बाबा ने बताया ना अभी मुरली में चाट लिखना है रोज चार्ट लिख करके देना किसको है ये भी तो बताया कि भगवान है शीशे का महल बाहर की दुनिया में जा रहे हैं तो शीशे महल नहीं है
मैंने बाहर की दुनिया में रहकर के मधुबन जैसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं खाते हैं, सिर्फ दाल चावल खाते हैं, रोज दो ही बार खाते हैं। दाल चावल खाना यही फेमस है। वो कैसे चाहिए लोग कैसे चाहिए विचार लिखना है जो बच्ची दिल को खाती हो तो लिखो। बाबा माता जी के लिए दो तीन चार लोग जी के लोग है वो एडवांस कोर्स लिया है वो बेंगलोर में हमें उनके घर में क्लास करना नहीं छोड़ रही है इसलिए बेंगलोर में हमें रूम बंद करके रसद से क्या पूछ रही है उनको रूम बंद करके रूम लेकर के वो रसद से क्या पूछ रही है गुप्त में लेना चाहते हैं कोई जाने नहीं बात है गर्भ में बच्चा पैदा होता है वो भी तो गुप्त पैदा होता है बाबा तो ऐसे एक को ही सुनाओ दो चार को इकट्ठा मत सुनाओ हो गए तो एक कौआ होगा वो सबको उखाड़ देगा बाबा कोई कोई दूर से दो बस चढ़ के क्लास करते हैं ना तो क्लास करते रहते बीमारी ज्यादा हो जाता है क्लास आना ही नहीं सकते ऐसे तो मैंने क्या करना है बाबा तो कहते एक सौ छह डिग्री बुखार हो तो भी क्लास अटेंड करना है आना ही नहीं होता तब क्या कर सकते अब जो हिम्मत है मर्दे मदद बा बाबा ने तो बोल दिया बोल ली सो डिग्री बुखार है तो कर सकते बाबा और जा रहा हो तो ज्यादा खर्चा चले ना हिम्मत में को अस्थमा के मरीज थे श्वास की जबरदस्त बीमारी थी उनको छाछ और बाजरे की रोटी खिलाई और सब चंगे हो गए ये भावना का कमाल था या दुर्भावना का कमाल था तो बाप की वाणी के ऊपर इतना निश्चय होना चाहिए क्या
अब माँ सर्वशक्तिवान नहीं है और बाप बाप सर्वशक्तिवान है। तो ब्रह्मा के कनेक्शन में जो जाएगा अपन को देह समझ करके उसका तो नुकसान होना ही होना है, लेकिन बाप के कनेक्शन में जो आएगा, बाप संपन्न है या अम्मा संपन्न है? बाप संपन्न है। तो संपन्न के सहयोग में जो जाएगा, कनेक्शन में जाएगा, उसका अकल्याण हो ही नहीं सकता। बाबा जब हम बम्बई में थे तो गले मिलने का बहुत मन हो रहा था और अभी ऐसा संभव नहीं आता। ये तुम्हारे अंदर कोई भूत प्रेत की प्रवेशता भी हो सकती? तो उस समय सेल बनी थी या अभी सेल बनी थी? पहले सत्व प्रधान होता है कि बाद में सत्व प्रधान होता है? ऐसे ही है हमारा बंगाली में बता जाओ, कोई बता देगा। मतलब काली दुर्गा में जो पूजा होता है उसमें चांदा लेते, चांदा पैसा लेते सबसे, पैसा भी 18 रुपए लाएगा, पूजा अपने देना पड़ेगा, वो देना हो नहीं आ रहा है। जो ब्रह्मा कुमारियाँ हैं वो भीख मांगती हैं कि बिना भीख के काम, भीख मांगे काम कर लेती है? जो हम बात कर रहे हैं वो उसकी बात बताओ, मांगता है। तो काली बन रही है या गोरी बन रही है? बस है। तो हम लोग तो बाबा जो भी कीमत के खिलाफ काम किया जाता है वो नीचे गिराता है, चांदान बनाता है, चंडिका बनाता है। लेकिन हम लोग तो चांदा देना पड़ता है, देते हैं, देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो बात उल्टा, नहीं देंगे तो उल्टा सीधा होगा। क्या उल्टा सीधा होगा? अरे वो गांव छोड़ जाएंगे, हम दूसरे गांव में जाके बसे। तो दूसरा गांव में भी ऐसा ही होगा? दूसरे गांव में कहीं ऐसा नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। ये सिर्फ बंगाल में ही है कि महाकाली का तुम चंदा नहीं दोगे तो तुम रह नहीं पाओगे। राजभोर के चले जाओ, तुम्हें तो मना कौन करता है? मना किया? हम फैसला करो, हम थोड़े फैसला करेंगे। और कोई कोई स्थान है जिस चांदा नहीं देगा, कोई कोई ऐसा बोलता है पूजा में चांदा नहीं देगा तो उस एरिया में सब गुंडा लोग उसके ऊपर चढ़ाव करेगा, तो वो क्या करेगा? वो किधर जाएगा? चला जाएगा, भाग जाएगा, कहीं चला जाएगा। घर पड़ी पर धर्म छोड़िए, धर्म की पालना करनी है, उसको देश भी छोड़ना पड़े, संबंधी भी छोड़ना पड़े, माँ बाप भी छोड़ना पड़े, पत्नी भी छोड़ना पड़े, बच्चे भी छोड़ना पड़े, धर्म की रक्षा करेगा। हम कम दिन चला जाएंगे, कम दिन चले जाओ, 50 बरस का बाद चले जाओ, हमारे जम होगी तभी तो जाओ। जो गरजता है तो बरसता नहीं है, पानी जल नहीं हो आगे जाने के लिए, और जो 80-80 रह पड़े तो कैसे रह पड़े? सुनो 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 सुन लो, अरे कम से कम सुनो तो। हाँ, एक सेकेंड में जो है चलती कला जो हो जाती है, तो पहले वो दाम बोले जो मुझसे जिसको हो गया वो यहाँ से घर नहीं जाएगा। और जब मैं दिल्ली में था तो आपने बोला कि पहले माँ बाप को समझा लो तब यहाँ। तो रास्ता तुम्हें सहज बता दिया, क्योंकि मालूम है ऐसा कर नहीं सकेंगे अभी, इसलिए सहज रास्ता बता दिया। आत्मा में कोई में ताकत होती है मुकाबला करने की और कोई में ताकत नहीं होती है। तो बाबा ऐसे सारे आ जाएंगे तो बाबा के पास कितने रख पाएंगे? हैं? सारे ऐसे आ जाएंगे तो बाबा के पास? ये चिंता तुमको करनी है या बाबा को करनी है? आपके साथ ही रहेंगे। हाँ, तो कायदे कानून पर चल के साथ रहेंगे कि जबरदस्ती रहेंगे? कायदे कानून पर चल के ही रह पाएंगे। और क्या, गऊ बनेंगे तो साथ में रहेंगे या सांड बनेंगे तो साथ में रहेंगे? गैया बन के रहो, गौपाल का नहीं आ गया हुआ है।
ओके हम तुम सब बेवकूफ ही है ना अभी जल्दी से और जल्दी से सब आप पकड़ ले जल्दी से तन मन धन सब तेरा तो जल्दी जान जाएंगे 100% तन मन धन समय संपर्क संबंध सब तेरा होता है हो जाए ना बताया साकार शरीर धारण करा के सजा दूंगा ऐसे नहीं संकल्पों से सजा खा के खत्म हो जाएगी जैसे जो ब्रह्मा कुमार शरीर छोड़ते जा रहे हैं और उनको अभी अपना शरीर तो मिलेगा नहीं तो ऐसे नहीं है कि वो अंदर अंदर संकल्प को सजा खा के खत्म कर देंगे नहीं वो शरीर में वो आत्माएं प्रवेश करेंगी और प्रवेश करके फिर सजा खाएंगी तो साकार शरीर होगा तो डंडे साकार होंगे या निराकार होंगे कोई सब प्रवेश कर गया और डंडा चले तो मेरे को लाए तो उनको लाए वो सोल की रहम की बात है वो चाहे तो वो डंडा अपने ऊपर भी ले ले और चाहे तो तुमको भी खिला दे तो उसको सजा नहीं मिला मेरा ही मिला उसको सजा तो नहीं मिला और किसको मिली तुमने उसका संग किया तुम्हारे पास आई हमारे पास तो आई नहीं तो मेरा फाया वो सोल तुम्हारे पास आई ना तुम्हारे साथ हिसाब किताब है या दूसरे के साथ मेरे साथ तो जिसके साथ हिसाब किताब है कोई कोई भागीदार बने आराम आराम खाएंगे आराम खाएंगे कोई जरूरी नहीं उसको भगत मदद है जैसे व्यक्ति को सोच हो गया वो सब इधर आ गया संकलन में सजा चुका नहीं तो सकल में आना पड़ेगा अगर मेरे अंदर आ जाए वो माल वो खाए कि हम खाएंगे दोनों खा सकते हैं दोनों भागीदार दोनों भागीदार एक दूसरे दोनों एक दूसरे के जो नजदीक आए हैं उसका हिसाब किताब पूर्व जन्म में जोड़ा है या नहीं जोड़ा है दोनों ने गलती की है दादी बचती तो एक हाथ से बचती है या दोनों हाथ से बचती है दोनों हाथ से बचती है तुमने भी कुछ आगे कदम बढ़ाया उसने भी कुछ आगे कदम बढ़ाया दोनों मिल गए दोनों मार खाओ किसने मतलब जेल में जाम हुआ हाँ जी दोनों को मार खाओ चाहे हद हो चाहे बेहद हो सब कुछ तेरा ये नहीं कहा कि हद तेरा बेहद मेरा बेहद हो चाहे हद हो चाहे बेहद का हो बेहद तो हमारे पास है ही नहीं धन हाँ लेकिन जो जो है वो तो है तो आप ही का है ना ये मुक्ति जीवन मुक्ति वो तो आप ही की है बाप का कहता मैं ले जाऊंगा इसकी भी बात कही तुम्हारी है ना अरे स्वर्ग तुम्हारा ही है ना ले जा तो मैं कुछ क्यों नहीं करते कह देने से हो जाता है अरे कह देने से हो जाता है या करने से होगा आवाजें आ रही थी आज क्लास जल्दी कर देना है लेकिन उसका भेज भी नहीं मेरा बोला बात है बाबा हम बच्चों के साथ विजय मनाने के लिए आया अच्छा तो फिर हो जाने दो गवर्नमेंट पीटीआई
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवाद मार्क्सवाद हो यहाँ पर बहुत सारे धर्म वगैरह पूजा बहुत सारे इत्यादि होते हैं यहाँ पर और सब पॉलिटिकल पार्टी नहीं है सीपीआईएम गवर्नमेंट नास्तिक धर्म की ऐसा क्यों है लेकिन इंडिया जुड़ी हुई है इसमें सीपीआई जुड़ा हुआ है इसके अपोजिशन दूसरी भी है कम्युनिस्ट पार्टी अरे कम्युनिस्ट पार्टी दो प्रकार की है ना वो बोलते हैं जो वेस्ट बंगाल में सीपीआई एम है ना उधर में नास्तिक गवर्नमेंट अस्सी ईयर चल रहा है इधर में कंटिन्यूअसली इतना क्यों चल रहा है वो बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ बौद्धी धर्म का देश है ये पूर्वी जो कंट्री है वो बौद्धियों का है जापान इंडोनेशिया बंगाल ये सब बौद्धियों से नास्तिक धर्म शुरू होता है बौद्धी जो स्वर्ग क्या होता है नरक क्या होता है भगवान क्या होता है आत्मा क्या होती है परमात्मा क्या होती है कुछ नहीं मानते ऐसे नहीं कि नास्तिक धर्म आखिरी जन्म में जाकर उत्पन्न हुआ बौद्धियों से ही नास्तिक धर्म का फाउंडेशन लग जाता है स्वराज्य अधिकारी वो बिंदु राज्य अधिकारी स्वच्छ ऊपर अधिकार नहीं किया तो बिंदु के ऊपर अधिकार नहीं हो सकता अंतर नहीं है बाबा आपने बोला पूर्व दिशा में जो ब्राह्मण होता है तो पश्चिम का जो ब्राह्मण लोग है पूर्व दिशा का ब्राह्मणों का पास लड़की लोगों को स्थापित है ना पूर्व दिशा में बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है भक्ति मार्ग में मछली खाने वाला होता है भक्ति मार्ग में मछली खाना होता है भक्ति मार्ग में पूर्व दिशा का जो ब्राह्मण होता है वो मछली खाने वाला होता है इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है इसका फाउंडेशन यहाँ पड़ता है माना मछली खाते इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है माना जो विष्णु का पहला बीज है वो बीज कहाँ से शुरू होता है पूर्व बंगाल से वो बीज उसके द्वारा जब भगवान का पाठ बजता है तो जो भी सागर की मछली है वो सारी सरेंडर होती है कि नहीं होती है सरेंडर हो जाती तो कौन खाता है मछली अरे मछलियों को खाने वाला कौन था वही बंगाली बाबू हुआ नहीं नहीं इसलिए परंपरा में वही ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ माना जाता है मछलियों में सब तरह की मछलियाँ होती हैं ज्यादातर बदबू छोड़ने वाली होती हैं लेकिन बहुत सी अच्छी अच्छी मछलियाँ ऐसी भी होती हैं जिन्हें देखने से और सूंघने से खुश हो जाए तबीयत नहीं होता वैरायटी होती है क्या खाने खाने का तरीका होता है वो खाने खाने का तरीका होता है इस भक्ति मार्ग की बात बताई देहद में खाना कुछ और हद में खाना कुछ और देवताओं का खाना कुछ और राक्षसों का खाना कुछ और राक्षस भी भोग भोगते हैं भोगी होते हैं और देवताएं भी भोगी होते हैं लेकिन दोनों के भोग भोगने में अंतर होता है वो सुखदाई होते हैं देवताएं और राक्षस सुखदाई होते जीवन है तो ठीक है आप
आत्मा उसमें भी है, नहीं ठीक है हाँ। लोग हाँ तो सांस सांस लेके भी आदमी जिंदा रह सकता है, रह सकता है। प्रैक्टिस करो कुंभक प्राणायाम की, 3 दिन कुंभक चढ़ाया जा सकता है, तो जिंदगी भर के लिए कुंभक नहीं चढ़ाया जा सकता। पानी में बैक्टीरिया होता है, पानी में भी तो बैक्टीरिया होता है, उसको भी तो खा रहे हैं। सवाल ये है, सबसे ज्यादा मूल्यवान प्राणी कौन है? अगर मूल्यवान की हमने बचत कर दी और जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, खाने की बात नहीं बताई, ये बताई कि मूल्यवान कौन है। मूल्यवान के सदुपयोग के लिए अगर जो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है और उसको हमने नष्ट हो जाने दिया, तो किसका फायदा हुआ? हमारा ही फायदा हुआ ना। तो मनुष्य है सबसे ज्यादा मूल्यवान प्राणी, उस मूल्यवान की सुरक्षा के लिए जो दूसरे प्राणी है उनकी हत्या कर दी जाए तो कोई हर्जा नहीं। जैसे देव आत्माओं की सुरक्षा के लिए भगवान आता है और सब असुरों का विनाश करा के चला जाता है, कोई पाप नहीं लगता। डॉक्टर जी ने व्यसन में आत्मा है जी, जो भी पेड़ पौधे हैं उन सब में बैक्टीरिया होते हैं, प्राणी है, उनकी एक डाल काट दो, एक जड़ काट दो, पौधा ऊपर कुमलाने लगता है, वो जड़त्वमयी प्राणी है। मनुष्य में चेतना शक्ति ज्यादा है और जानवरों में पशु पक्षियों में चेतना शक्ति कम है। বাবা নাস্তিক যারা নাস্তিক ধর্মের মধ্যে রয়েছে তারা আমার একটু আলোচনা হয়েছিল, তারা বলেছিল যে যত ধর্ম বা আধ্যাত্মিক যত কিছু আগে বিজ্ঞান সমস্ত যেমন কোনটুকু আর কোনটুকু সমস্ত কর্ম করে দেখেছেন সমাজের মধ্যে, তার ধর্ম আধ্যাত্মিক এর মধ্যে কী করে দেখাচ্ছে কী করে দেখিয়েছে আগে দেখিয়ে দাও, এর নিয়ে আমার নিয়ে সে তপ করেছে। তা আমাদের এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মধ্যে মানুষের মধ্যে কী কর্ম করে সমাজে দেখাচ্ছে বা দেখাতে পারে? क्या कह रहे हैं? अरे सुनो ना, ऐसा सुनाओ जो सुन ले, बंगाली बोलो, एक बंगाली সমাজের মানুষ উন্নত করার জন্য উন্নত করছে ধর্ম আর আধ্যাত্মিক মধ্যে কোনটা করেছে সমাজের মধ্যে একটা দেখবি বাবা কোনটা করতে পেরেছে। ये लोग बोलते हैं कि विज्ञान जो है साइंस जो है वो हर चीज़ों को, उन्होंने बोल रहा है जो हर चीज़ों को हमने दिखाया आज कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, लेकिन ये दुनिया में आज जो धर्म है वो धर्म करते करते बात करते करते किसको क्या उन्नति हो, वो तो कुछ नहीं उन्नति हुआ। वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है धर्म के नाम पर, ये उसको धर्म नाम दे रहे हैं। हाँ जी ধর্ম বাবা আসার পর আদি সনাতন দেবী যে ধর্ম এইটি ধর্ম এইটাতে উন্নতি হবে সেটা হচ্ছে, কিন্তু পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে এগুলো তো ধর্মের নামে সব অধর্ম। না সেটা ঠিক আছে, এটি তো আমি ধরেছিলাম যে আধ্যাত্মিকটা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের ধর্মের সমস্ত কুধর্ম কুকর্মের মধ্যে একটি আগিয়ে যাবে বা মানুষের এই যে মানে মন থেকে পরিষ্কার করে দেবে বা এবারে এখান থেকে মানুষের মধ্যে একটা কুচিন্তা ভাবনাগুলো সমস্ত দূর করে দেবে,
বলল কালী মধ্যে দূর করে কোনটা ঠিক করে বই দিয়ে সমাজে ভাবতে দাও রাজ হবে প্রথমে তো সত্যবাদের মধ্যে এসে চলছে সত্যবাদের মধ্যে তোমার বলতে চলছে তাহলে সত্যবাদের মধ্যে কি করে দিবি হ্যাঁ তোমারই খালি বলছো बोलता है ठीक है आप लोग बोलता है होगा होगा लेकिन हुआ क्या कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों का ज्ञान जो है वो समझने की चीज है या दिखाने की चीज है ज्ञान है पहले समझने की चीज और विज्ञान है करके दिखाने की चीज ज्ञान हमारे अंदर आ गया लेकिन योग है विज्ञान और वो योग की परिपूर्णता अभी नहीं आई है जब तक वो एकाग्रता की ताकत प्राप्त नहीं हुई है तब तक ऐसे ही बोलते रहे उनकी भाषा में समझा तो दो नहीं है दूर आप बोलते सुन बोझारा कोई कोई देखा তো সেই জন্য ওরা দেখতে পাচ্ছে যে উন্নতি হচ্ছে এগুলো দেখছে কিন্তু আমাদের মধ্যে যে জ্ঞান চর্চা হচ্ছে সেটা বোঝার ব্যাপার এবং আস্তে আস্তে যখন পরিপক্কতা আসবে তখন সেটা দেখা যাবে এখনই সেটা তো দেখা যাচ্ছে না সেটা বুঝতে হবে ওরা এসে মানে কোর্স যদি করে এটাকে অনুভব করে তখন আমি ওদের বলেছিলাম আমি ওদের বলি তোমার দেখবি না তোমার আর দুটো কথা আমরা শুনে হয় তোমার বোঝো তখন তোমার বিষয়ে জানতে পারো বুঝতে পারো পূর্বজন্মের কর্ম কর্তব্য না হলে এসব আছে সবাই আসবে না मच्छर को नहीं मारेंगे तो आदमी को मार देगा मच्छर को नहीं मारेंगे तो वो आदमी को मार देगा तो मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए लेकिन आपका तो करंट निकल गया ना प्यार आपका तो करंट से मार रहा है वो तो पाप है ना जो करंट से मार रहा मतलब जो करंट का जो मेसिन निकला उसी से मारा तो वो तो पाप है क्या ये जो मच्छर जो मार रहा है हमारे शरीर में बैठने से तो एक दो मारना ठीक है लेकिन आजकल जो करंट से निकल गया ना चार्ज लेके फिर उसको मार रहा है फटाफट 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 मारेंगे तो हमको भी सताएगा लेकिन जो पाप कर रहा है वो भी मर रहा है जो अच्छा कर्म कर रहा है वो भी मर रहा है मच्छर में भी तो अच्छा कर्म बुरा कर्म है ना मच्छर अच्छे कर्म करते हैं उसका भी अच्छा बुरा है अच्छे कर्म बस करने वाले सब आपके घर में होते इस तरह के प्रश्न जो तुम पूछ रहे हो उसकी कमी ये है कि तुम मुरलियाँ नहीं पढ़ी मुरलियाँ पढ़ी होती तो तुम जानती है कि मुरली ये भी बोला हुआ है कि जो अपने कुल का होगा थोड़ी सी बात सुनाएंगे वो फट से खींचा हुआ चला और अपने कुल का नहीं होगा बार बार उसको संदेश देते रहो बार बार बताते रहो अगर भी आ भी गया तो बाद में धोखा दे करके चला जावे और हमारा विरोधी बन जावे जी ज्यादा जबरदस्ती नहीं करना शायद मिले हाँ के ले लिया तो वो खून करेगा।
शक्ति को महामाया महामाया कहा जाता है। जैसे कुमारका दादी ने अभी शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ा ना, तो संदेश में आया कि कुमारका दादी से प्रकृति ने हाथ मिला लिया। बात आई? प्रकृति का पार्ट किसका है? जगदम्बा। और माया का पार्ट वो है, वो माया है, महामाया नहीं कहा। और जब उससे प्रकृति भी जाकर के मिल गई, रावण के पांच सिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और उसकी सहयोगिनी मिल गई मंदोदरी, कौन? पांच प्रकृति के तत्व, प्रकृति जो विशेष रचना है भगवान की, जिस रचना के रचने में एड़ी चोटी की ताकत लगा दी भगवान ने, वो माया से जाके मिल गई, हाथ मिला लिया। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, तो महामाया हो गई। पांच विकारों ने एडवांस पार्टी का अभी तक कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्या माया ने एडवांस पार्टी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया? क्यों? क्योंकि जितना माया की ताकत है उतना सर्वशक्तिमान बाप के बच्चों की भी ताकत आ जाती है। लेकिन जब प्रकृति मिल जाती है तो भूकंप आएंगे, और भूकंप से सारे महल मानिया अटारिया सब संगठन गिरेंगे। बाबा बड़ा विनाश हो जाएंगे। अभी जो बोला कि सहयोग को किसने दे रहा है? हमारा गांव में एक गया घूमने माऊ टापू में, माऊ टापू में गए ना, तो वहाँ पे तो समझा के बुझा के बुझा के फिर बता दिया कि हमारा तो कस्बा दादी आदि अभी सर्विस करा, लेकिन एक साल का उसका पिता का घर में जन्म है, एक सात साल का पिता का थोड़ा पिता का घर में जन्म है, उसी को बताया। बताने से क्या होता है? बताते लो पहले ये भी थे मम्मा बाबा ने नेपाल में जन्म ले लिया राजा महाराजाओं के घर में, फिर बता रहे सच्चा हो गया। वो ड्रामा की कमजोरी समझो या अपने अंदर की कमजोरी समझो या अपने ज्ञान का न समझने वाली कमजोरी समझो, कुछ भी समझो, है तो ड्रामा। जो हमारे सामने आए वो ही समझ जाए तो हम ही पारसनाथ हो गए। पारसनाथ माना क्या? कोई ऐसा पारस पत्थर होता है क्या कि लोहा छुआ दिया जाए तो सारा सोना बन जाए? होता तो नहीं। तो गायन है इस समय का कि जो नजदीक आए जो सामने आए वो परिवर्तित परिवर्तित हो जाए। मुझे तो होता है इसमें तो दूसरे का साथ देखता है लक्ष्मी सरस्वती, फिर देखता है कार्तिक गणेश, और ऊपर में देखता है शिव शंकर। तो दुर्गा पूजा तो देखने में आता है तो देवियों का पूजा ही नहीं है, तो देखने में आता है तो पूरा परिवार का पूजा है। लेकिन जो पूजा करने जाते हैं, जो दर्शन करने जाते हैं, उनकी बुद्धि में ज्यादा रमण किस चीज का होता है? अरे ज्यादा वाइब्रेशन किसका फैलता है? जो चित्रों को देखते हैं उन चित्रों का वाइब्रेशन ज्यादा बुद्धि में फैलता है, या जो ऊपर रखा हुआ है उसको कोई देखता है? लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कहाँ रहता है? जनरल पब्लिक की बात कर रहे हैं, वो पब्लिक वहाँ देखने जाती है, उस पब्लिक का मोस्टली कॉन्सेंट्रेशन देवियों के ऊपर रहता है,
या जो देवता ऊपर दिखाया गया महाकाली के सर के ऊपर रखा हुआ उसके ऊपर रहता है, समय वो देवता अपने को खुद ही गुप्त कर देता है, इसलिए छोटे रूप में दिखाया गया। अंतिम में जब की पाठ चलेगा उस समय का बात है बाबा। हाँ जी, वो देवता खुद समझता है कि हमारा काम ये कर रही है तो हम इंटरफियर क्यों करें। ज्यादा के लिए लागू है, पूरी माता के लिए लागू, पूरी माता के लिए भी लागू है। बूढ़े और बूढ़ियों को तो और ही ज्यादा काम की आग लगी रहती है। 70 साल मुरली बोला, 70 साल के बूढ़े भी बच्चा पैदा करते रहते हैं। आज के बातें बता रहे हैं, आज की बातें सुन रहे हैं। क्रिश्चियन है गाय के मांग रखते हैं, क्रिश्चियन हुए इस्लामी हुए आज मुस्लिम हुए पाप का दूसरे हैं ये दूसरे धर्म के लोग क्रिश्चियन और मुसलमान गाय का मांस खाते हैं, उनके ऊपर पाप का बोझा चढ़ता है या नहीं, उनकी बात छोड़ दो, क्योंकि वो दुनिया तो हमारे लिए मर गई, लेकिन हम ब्राह्मणों की दुनिया में जो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं या मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं, और इस समय जो गैया हैं कृष्ण के साथ उनके ऊपर कुदृष्टि रखते हैं, उनके ऊपर पाप करता है या उनके ऊपर पाप करता है, पहले किसके ऊपर चढ़ता है? ब्राह्मण उनके ऊपर 100 गुना चढ़ता है, और उन क्रिश्चियन के ऊपर तो 1 गुना ही चढ़ता है, क्यों? फिर वो असली गऊए भी नहीं है, वो तो जानवर गऊ है। आज से ही मतलब ट्रेडिंग और मुस्लिम जो है प्रवेश किया, मुसलमानों ने कहा बंगाल से प्रवेश किया, मुसलमानों ने पश्चिम से प्रवेश किया है, है? और क्रिश्चियंस ने हमला किया पूरब से, बंगाल में रहने वाली आत्मश्रेष्ठ आत्माएं हैं सर जी, उस समय तो उनके पास ब्रिटिश लोग हावी हुए, तभी तो जाकर के पूरे भारत में जो है साम्राज्य स्थापन करने पाए दीदी। ब्रिटिश वाले भी हावी कब हुए? जब बंगाल में वैश्यालय बन गया तब हावी हुए, या जब शिवालय था श्रेष्ठ था तब हावी हुए? तभी हावी हुए। चलेगा होगा, एक ही ट्रेन चलेगा, जैसे आज में 1947 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हुआ, मारामारी हुई, खून खराबा हुआ, उस समय पहली ट्रेन जो निकल गई, उस पहली ट्रेन में जो बैठ गए, अब वो ट्रेन चाहे दिल्ली से जाने वाली हो पाकिस्तान की ओर, चाहे बंगलौर से जाने वाली हो, चाहे बम्बई से जाने वाली हो, चाहे कलकत्ता से जाने वाली हो, पहली ट्रेन में जो बैठ गए तो निकल गए, उसके बाद चारों तरफ आवाज निकल गई
हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमानों हिंदुओं में मारा काटी जोर से हो रही, फिर जो ट्रेनों में पर गए वो सब काट दिए। हाँ तो बैग भी ठीक आधार से आदमी ठीक के आधार से उन्होंने जल्दी ना वो फूल बात को शुरुआत की बताई, तब अंत में भी होगा। अभी 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 ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा होगा कि जब हवा फैलेगी और जिनके अंदर पक्का निश्चय होगा तो वो तो बजे नहीं, बाप बाप नहीं, बच्चा बच्चा नहीं, बेटा बेटा नहीं, भाई भाई नहीं, एक सेकंड में फैसला लेंगे और बाप खड़े होंगे और दूसरे संभालते रह जाएंगे, संजाम होगा काटे मारे जाएंगे। परमाणु को ऊर्जा में तैयारी करने का काम स्थूल काम है या सूक्ष्म काम है? स्थूल काम है। और मन बुद्धि और संस्कार शक्ति को ऊर्जा में परिवर्तित करना ये मनुष्य का काम है या परमात्मा का काम है? परमात्मा का बच्चों के साथ ये काम है। ऊर्जा वो भी है, ऊर्जा ये भी है, ऊर्जा सचिव में भी होगी और ऊर्जा यहाँ भी होती है। यहाँ की ऊर्जा विनाशकारी रिजल्ट में निकलेगी और वहाँ की ऊर्जा कोई भी एक्सीडेंट नहीं होने देगी, विनाश तो दूर रहा। तो कौन सा विज्ञान ज्यादा सुधेला हुआ? आध्यात्म विज्ञान ज्यादा सुधेला हुआ। तो आज का जो विज्ञान है वो तो घातक है, बड़े बड़े पैसे वाले ही उससे फायदा ले पा रहे हैं। ऐसा विरोध कर रही है, ऐसा चुप्पी हुआ है? जैसे भारत सरकार अमेरिका साथ ऊर्जा लेने के लिए जो चुप्पी होने के जा रहा है। भारत सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है या भारत की भ्रष्टाचारी सरकार है?
तो भ्रष्टाचारी सरकार वही काम करेगी, अब भ्रष्टाचारी सरकार यहाँ का काम योग बल का कर रही है। आगे चल के बाबा सब विज्ञान का जो है विस्तार आधुनिक जो है टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगा ना। योग की योग विज्ञान की टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ेगी, वो भी बढ़ रही। बाबा हम लोग अभी परमधाम में बैठे हैं। बाबा हम लोग अभी परमधाम में बैठे हैं। हाँ ये सब नीचे रहते हैं आप परमधाम में। आध्यात्मिक ऊर्जा जिससे की मतलब दुनिया का कल्याण होता है, तो आगे चल कर बढ़ जाएगा ना। ठीक है आगे चल कर बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। कम होने का क्या सवाल? बढ़ेगा, बढ़ नहीं रही आगे? आध्यात्मिक शक्ति बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही वो वैज्ञानिक तो एटम बम बना सकते हैं, एटम बम विस्फोट नहीं कर सकते। और ये जो वैज्ञानिक है योग विज्ञानी, ये तो बुद्धियों को ही चेंज कर देंगे। जिनमें ताकत ही नहीं है वैज्ञानिकों में अपनी बनाई हुई रचना को उपयोग करने की, उनमें इतनी ताकत बढ़ेंगे कि वो बनाई हुई रचना को विस्फोट कर दे। तो ज्यादा पावरफुल कौन हुई? योग विज्ञान ज्यादा पावरफुल हो गया। ऐसे ही करेगा, इनके पास तो एटम बम की शक्ति नहीं है इतनी। योग विज्ञान के आधार पर विजय पाएगा। अभी बाबा आध्यात्मिक जागृति बहुत ज्यादा बढ़ रहा है भारत में, आध्यात्मिक चेतना ज्यादा बढ़ रहा है। अभी तो नहीं बढ़ रही है, जब बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी तो और ज्यादा बढ़ेगी, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी।